कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप मैं हूं आपके साथ पूजा ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर हल्द्वानी अतिक्रमण से जुड़ी हुई खबर सामने आ रही है जिसमें ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई कल यानी कि पांच तारीख को होनी है बता दें आपको कि जब से नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से यह आदेश आया कि जितने भी मकान है चार से ज्यादा वहां पे उस बस्ती में मकान है जिसको ध्वस्त किया जाएगा उसके बाद से ही लोग जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज़ रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार लोग इतना ज्यादा विरोध क्यों दिखा रहे हैं किस बात का डर है देखिए ये लोग नहीं हैं ये दरअसल जो हिंदुस्तान में उपद्रव मचाने वाली टोली है जिन लोगों ने साहिन बाग को अंजाम दिया था एक फर्जीवाड़ा शुरू किया था उनकी ही ये करतूत है पैसे विदेश से आ गए पैसा आ गया आंदोलन जीवी दिल्ली से जिन लोगों ने शाहीन बाग को ऑर्गेनाइज किया था वो लोग पहुंच गए सोशल मीडिया में ये जू बियर टाइप के लोग वो लोग भी धंधे पे लग गए सब लोगों का धंधा चालू हो गया आप क्या कर रहे हो क्या कह रहे हो क्या बता रहे हो यह हंगामा हो रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बयान जारी कर दिया कि इंटरनेशनल लॉ की अनदेखी हो रही है किसी मुसलमानों के ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है मुसलमानों का को बेघर किया जा रहा है अरे भाई आप ही न थे यही लोग ये गैंग था ना और तो और कांग्रेस पार्टी के जो बड़े लीडर हैं उत्तराखंड में एक्स चीफ मिनिस्टर जी। उन्होंने कहा कि हम एक घंटे के लिए मौन व्रत रखेंगे वाह सारा पूरा जो उसको कहते हैं ना कि ड्रामा स्टार्ट हो गया पहले इस मसले को समझ लीजिए क्या है कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी ये गफूर बस्ती बन भूल पूरा नाम है इस जगह का अठहत्तर एकड़ जमीन है जो रेलवे की थी और ये कांग्रेसियों ने वोट बैंक की राजनीति के तहत तो वहां बस्ती बसा ली ज्यादातर मुस्लिम है लेकिन सिर्फ मुस्लिम नहीं है बुलडोजर चलेगा अतिक्रमण हटाया जाएगा छह मंदिर भी हट, तोड़े जाएंगे मंदिरों के ऊपर भी बुलडोजर चलेगा हिंदुओं के धर्मशालाएं भी हैं और वहां पे हिंदू पॉपुलेशन भी है लेकिन आपने क्या दिखाया दुनिया को ये एमनेस्टी इंटरनेशनल ट्विटर सब जगह जो ये प्रोपोगेंडा चल रहा है ये वही कागज नहीं दिखाएंगे गैंग ये बता रहे भाई मुसलमानों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है मोदी सरकार और अभी की जो ताजा खबर मैं आपको दे रहा हूं कि वहां सीपीआई एमएल वाले भी पहुंच गए वो डफली झोलटंगे सब पहुंच गए वहां पे जो डफली मेरा बजाते थे यहां पे क्या नाम है साइन बाग में वो पूरा गैंग वहां पहुंच गया वो बोले भाई मनुवादी सरकार है भाई सरकार नहीं ले रही है कुछ फैसला हाईकोर्ट का आदेश है आप रेलवे की जमीन के ऊपर कब्जा कर लेंगे उसके बाद बोलेंगे ये ह्यूमिटेरियन ग्राउंड में हमें छोड़ दिया जाए माफ कर दिया जाए केस क्या है केस बहुत ही सिंपल है रेलवे की जमीन है अठहत्तर एकड़ वहां पे कांग्रेसी सरकारों ने वहां पे इलीगल तरीके से लोगों को बसाया और बसने के बाद ये मसला कोर्ट में पहुंचा रेलवे ने कहा कि हमारी जमीन खाली करो ये लोग खाली नहीं किए तो ये लोअर जुडिशरी में लोअर कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हाई कोर्ट तक ये मसला गया और हाई कोर्ट ने कहा कि ये जमीन आपकी है इसके कोई सबूत आप नहीं दिखा सके ये जमीन रेलवे की है वो तमाम सबूत बता रहे हैं तो वो कागज तो दिखाना पड़ेगा भाई लेकिन कागज नहीं दिखाएंगे लेकिन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कुछ ताजा तस्वीरें भी आई हैं जरा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। आप इन इन तस्वीरों में वीडियो में देख सकते हैं कि एक साथ काफी ज्यादा संख्या में मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो इस बस्ती में एक जगह पे इकट्ठा हो गई हैं और इस गली में एक साथ मुस्लिम महिलाएं नमाज पढ़ती हुई भी, भी नजर आ रही है सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है नारे लगा रही है और ये कह रही है कि इस फैसले को वापस लिया जाए सुप्रीम कोर्ट में कल क्या होगा वो देखना दिलचस्प होगा लेकिन जिस तरह से भीड़ नजर आ रहा है क्या शाहीन बाग पार्ट टू बनता नजर आ रहा है हल्द्वानी ये सारे लोग वही है ये कोई बाहर से थोड़े आ रहे हैं वो चाची मामी खाला सब पहुंच रही है पांच सौ रुपए पे जी। ये तमाशा ये होगा भाई फैसला वापस लो या कोर्ट के फैसले को ये वापस करवा देंगे ये आदर तो आप आंदोलन करो ये तमाम ये जो जिहादियों का जो गैंग है यह हर जगह कभी हिजाब के ऊपर तो कभी सीए के ऊपर जो तमाशा करता है देश के अंदर में उनको कहो कि भाई आदर आप आंदोलन से करो आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाओगे और सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई है आप यहाँ पे आंदोलन शुरू कर दोगे ये सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल करने के जैसा नहीं है आप दबाव डालना चाहते हो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लेकिन लोग बोल रहे हैं कि 50,000 से ज्यादा लोगों का सवाल है लोग अब कहा जाएंगे इन बस्ती को मोदी सरकार पक्का क्यों नहीं कर देगी भाई क्यों करेगी पक्का आपके ज़मीन पे कोई दूसरा लोग घुस जाए तो क्या आप उसको रहने देंगे उनको कह देंगे भाई पक्का मकान बना लो भाई जमीन रेलवे की है सरकार की है ये धर्मशाला है क्या है ये देश पता कीजिए कि उसमें कितने बांग्लादेशी हैं पता ये होना चाहिए कि कितने लोग बाहर से बुलाए गए उत्तराखंड के हैं भी या नहीं है अजीब तमाशा है भाई यहाँ कोई हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है वो रेलवे की जमीन है हिंदुओं ने भी कब्जा किया मुसलमानों ने भी कब्जा किया आप ऐसे पुटरे कर रहे हो जैसे लग रहा है कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है ये ये तमाशा प्रोपेगेंडा आप सरकार सरकार के खिलाफ अब का फैसला नहीं है हाई का फैसला है ने ने क्या कहा हाई ने कहा कि भाई आपके पास कोई कागज नहीं है तो ये तो कागज दिखाएंगे नहीं है ना साइनबाग में यही आंदोलन करते थे ना कि कागज नहीं दिखाएंगे तो कागज ये दिखा नहीं पाए तो कागज नहीं दिखा पाए तो हाईकोर्ट ने कहा कि भाई आपको वहां से खाली करना पड़ेगा सरकार को यह कहा गया राज्य सरकार को कि भाई जब भी आप आप वहां से करवाएंगे तो दिनों के पहले नोटिस आप दे देंगे। दिन पहले नोटिस नोटिस दे देंगे दिन दिया गया है ये तमाशा शुरू कर लेकिन नोटिस भी दिया गया अभी वक्त भी है और पूरी बस्ती में हर जगह जाजा के माइक के माध्यम से ये ऐलान भी किया जा रहा है कि धीरे धीरे आप अपना घर खाली करें अल्टीमेटम भी दे दिया गया है पर उसके बावजूद भी लोग विरोध क्यों कर रहे हैं वक्त तो दिया जा रहा है ना देखिए ये आप हिंदुस्तान की राजनीति को अगर आप उसको विश्लेषण करें खास समुदाय के लोगों का मन इस सेकुलर पार्टियों ने बढ़ा दिया है अब देखिए कैसे गिद्ध की तरह पहुंच गए वहां पे ओवैसी वहाँ पहुँच गए कांग्रेसी वहाँ पहुँच गई मायावती वहाँ पहुँच जाएगी वहां पे पहुँच जाएंगे अखिलेश यादव ये सेकुलरिज्म के नाम पे धंधा करने वाले लोग मुसलमानों को बेवकूफ़ भाई आपको बताना चाहिए भाई सही बात बताओ भाई जमीन तुम्हारी नहीं है मामला खत्म मैंने कल आप राष्ट्रपति भवन के पास डेरा डंडा डाल दें और कल कहें कि भाई हमारा है उसके बाद ये कहें कि नहीं नहीं तो बहुत सारे लोगों की जीविका का सवाल है उनको मत हटाए तो राष्ट्रपति भवन इनको दे दिया जाए भाई इस देश में नियम कानून कुछ है या नहीं है और हाईकोर्ट का फैसला अगर आया भाई कहीं भी तो आप कुछ दिखाते आपको मैंने तीन तीन कोर्ट में ये मसला वहां से खारिज हुआ है आपकी बात कहीं नहीं चल पाई क्यों नहीं चल पाई भाई आपके पास कुछ है ही नहीं होगा तब ना दिखाएंगे अब बोला देख रहा था कुछ मौलाना कह रहे थे हमारे पास पट्टा है भाई पट्टा देने की हैसियत किसकी है मैं पट्टा दे दू रेलवे की जमीन की तो पट्टा वैलिड हो जाएगा जमीन रेलवे की है और रेलवे की ही रहेगी बुलडोजर चलेगा सुप्रीम कोर्ट इसकी बात सुनेगी और सुप्रीम कोर्ट में अगर ये जो अब तक कोई सबूत नहीं दे पाए हैं तो सुप्रीम कोर्ट में भी तो कोई सुनवाई नहीं होगी वो तो साफ कह देंगे कि भाई भाई ये तो हटाओ देश कानून से चलता है कागज पे चलता है भाषण से नहीं चलता इमोशन से नहीं चलता लेकिन है क्या कि एक मुद्दा मिल गया मुद्दा जैसे मिला तो ये जो चील और गिद्ध हैं शाहीन बाग वाले सब उनको बाहर से पैसा भी आ गया पहुंच गए वहां पे धामी साहब भी कह रहे हैं कि अवैध है तो बिल्कुल कार्रवाई होगी बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए दिस इज टेस्टिंग टाइम फॉर मिस्टर धामी कि भाई आप कड़क डिसीजन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं ये हिंदुस्तान को कुछ लोगों ने धर्मशाला समझ लिया है कानून का पालन होना चाहिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन नहीं होगा तो फिर क्या होगा इस देश के अंदर में आप दस लोग मिलकर के तमाशा करना शुरू कर दें ट्विटर पर ट्रेंडिंग करना चालू कर दें तो उसे क्या कानून को बदल दिया जाएगा तो ये होगा नहीं तो ये जो तमाशा चल रहा है ये तमाशा दरअसल वोट बैंक राजनीति का मसला है अब अभी तक पता नहीं राहुल गांधी को अगर उधर जाना होता तो जरूर चल गए होते वहाँ पे कि भाई हाय 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 यहाँ पे जो है मुस्लिम बस्ती को हटाया जा रहा है कोई हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है मंदिर भी टूट रहा है हिंदुओं के धर्मशाला भी टूट रहे हैं वहाँ पर हिंदू घरों को भी उजाड़ा जा रहा है लेकिन है क्या कानून तो कानून है उसका पालन होना चाहिए जी बिल्कुल धन्यवाद अपडेट के लिए तो हल्द्वानी का गफूर बस्ती है ये जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं कि रहते हैं अठहत्तर एकड़ की जमीन है जो कि रेलवे की है पर इसमें लोग रह रहे हैं जो कि अवैध बताया जा रहा है जिसको लेकर लंबी सुनवाई चली और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर अपना कल क्या अहम फैसला सुनाता है लेकिन इसको लेकर जबरदस्त विरोध उत्तराखंड के हल्द्वानी में देखने को मिल रहा है इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा कैपिटल टीवी